नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी से बात करने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी अकाउंटेंट का काम कर रहे थे और उसके बाद एक ऐसे बिजनेस में फंसे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि लोग बोलते हैं ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। बहुत सभी लोगों के अलग अलग टाइप्स के कमेंट्स आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो आज मेरे साथ एक होनहार पर्सनालिटी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये देखिए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं संजय सर। तो संजय सर, आपका हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है सर। धन्यवाद सर, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमको बोलने का मौका दिया है। और मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं बलिया ज़िले के एक नगपुरा ग्राम है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं साल भर करीब हो गया, हमको साल भर से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं साल भर से आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और महसूस होने के साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है कि नहीं यहाँ पर मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, अनुभव हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। तो सर बताते तो हैं कि यहाँ पे फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। नहीं, फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं। देखिए, सबसे बड़ा क्या है, लोगों के मन में जो बैठा हुआ है ना, यहाँ पे करना क्या है कि जैसे हम अपना कोई सामान खरीदते हैं तो हम दुकान पे जाते हैं, बस यहाँ से भी अपना सामान खरीदना है। कोई फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, बस अपना सामान खरीदना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सर, जब आप फंसे थे उससे पहले आप भी तो बोलते रहे होंगे कि नहीं ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, या फिर आपको कैसा माहौल मिला था? नहीं नहीं हमने जो आज से करीब 14-15 साल पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमको कुछ सामान मिलता था, हमारे एक दोस्त थे दे जाते थे, और वो सामान हमें बहुत अच्छा लगता था, हम खुद यूज करते थे और घर जाते थे तो लोगों को देते थे, तो लोग कहते थे कि बनारस से आया है, बहुत बढ़िया है। जी। तो उस समय की फीलिंग हमको बहुत अच्छी, की जो फीलिंग है वो जब इस मार्केटिंग में आए हैं, तो हमने वो सामान जब यूज किया फिर दोबारा कई सालों बाद, तो हमें वही लगा कि अरे ये सामान तो पहले भी हम यूज करते थे, आज भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें फंसने फंसाने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, वहाँ तो सर प्रोडक्ट का हो गया, मैं ये कह रहा था कि क्या यहाँ पे लाइफ बन सकती है, यहाँ पे फ्यूचर है? मतलब किस तरीके से लोगों को क्या नहीं समझ में आता है, या फिर आपको क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ पे लाइफ कैसे एक सिक्योर हो सकती है, कैसे यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रिटी बना जा सकता है? बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सभी लीडर बताते हैं कि यहाँ पे एक बड़े सेलिब्रिटी बना जा सकता है, यहाँ पे आप मनी फ्रीडम ले सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी। तो ऐसा आपको भी लगा तभी आप आए होंगे? एकदम सर, हमको देखिए, हम तो आए तो यहाँ पे आने का कोई पैसा नहीं है, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम भी यही सोच कर आए कि देखें होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कहते थे, तो हम कहे कि दूसरों के मुंह से हम सुनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उससे बढ़िया है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार यूज करें, उसमें घुसे, देखें कि है क्या चीज़। दूसरे को सुनकर हम क्यों उसके बारे में, जब हम जानेंगे उसके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब तक हम उसको किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हम उसके बारे में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं ये कैसा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। जी सर, तो हम इसमें जब आए तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बस वही है कि सामान खरीदना है, और अगर अच्छा लगे तो हम किसी को बतला देते हैं, बाहर भी हम यही काम करते हैं, और कुछ इसमें जोड़ने जोड़ाने वाली तो बात ही नहीं है। बस हम एक चाय पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि वहाँ का चाय बहुत बढ़िया है, वहाँ का समोसा बहुत बढ़िया है, उस दुकान का रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, बस यही तो यहाँ पर भी है, और इसके अलावा कोई काम नहीं। लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, उसको आप डिलीट कर दीजिए, अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ। जी, कुछ नहीं करना है, बस यूज करना है, और लोगों को अगर अच्छा लगे तो बतला देना है। अच्छा सर, आपने अभी लोगों का यह होता कि यहाँ पे लोग पैसा अपना गवा देते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो आपने कितना क्या क्या गवाया सर? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कहते हैं ना कि जिसके सपने होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, और नेटवर्क मार्केटिंग की एक खासियत है कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसके सपने होते हैं उनको खोजता है। क्या बात है, तो जिनके सपने नहीं होते उनको, उनके पास पहुंच भी नहीं पाता। तो जब हम किसी और को खोजेंगे और वो किसी और को खोजेगा, तो मिलने का चांस जो है कि नहीं बहुत नजदीक आ जाता है, जल्दी हम लोग मिल जाते हैं। और हम प्रयास करते हैं, दूसरा दूर भागता है, वो प्रयास करता है, हम दूर भागते हैं, और जब हम एक दूसरे को खोजेंगे तो
जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी बस जाएंगे। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज के तारीख में अगर देख लिया जाए तो चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टेलीकॉम में हो, किसी भी तरह में, जूते में हो, कपड़े में हो, सब नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना नेटवर्क है, सबने अपना अपना आउटलेट बनाया हुआ है, सबके लोग हैं। यहाँ भी तो वही चीजें हैं और कुछ अलग है ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं है, हमको बस अपना यूज करना है और लोगों को बता लोगों देना को बताना है, बस बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस है एक सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम तो देखिए सिस्टम चेंज हो गया, हर जगह सिस्टम चेंज होता है। आज हम इस कॉलेज में अपने लड़के का नाम लिखाते हैं, फिर दो साल चार साल बाद दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ की बनावट अलग है, वहाँ के लड़कों का पहनावा, बात करने का ढंग सब कुछ अलग है, लोकेशन अलग है। यहाँ भी वही चीज़ है, और क्या है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे तो सर जैसे लोग बोलते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पे आप कितने समय में तेजी से अचीव कर सकते हैं, लेवल को अचीव कर सकते हैं, जो टारगेट आपको पैसा अचीव कर सकते हैं, मतलब पैसा अचीव करने का मतलब कि एक अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हैं, जब अगर आप लोग बोलते हैं कि टाइम बर्बाद होता है। जी जी अगर आप टाइम बर्बाद करना चाहें तो आपके पास हजारों लाखों रास्ते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं कि नहीं बर्बाद करते हैं। आपको अगर यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, कलकत्ता जाना है, तो आपके पास कई रास्ते हैं। आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किससे जाना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरह है, आप किस तरह से जाना चाहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि लोग अपने दिमाग के अनुसार काम करते हैं और यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। दिमाग के अनुसार काम करते हैं और रिजल्ट तो आपको दूसरे के दिमाग से आएगी नहीं। आप जब अपने दिमाग से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी तो अपने काम के अनुसार मिलेगा। बिल्कुल। आप जब दूसरे के दिमाग से काम करेंगे, आप दूसरे की बातों को फॉलो करेंगे, उसके बताए हुए, मतलब सर की अप्लाई नहीं, हाँ हाँ हमारा जो जी जी आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सीनियर कह लीजिए या सफल लोग हैं या बहुत पहुंचे लोग हैं, जो आज बड़े बड़े लेवल पे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, नाम है उनका, शोहरत है, इज्जत है, बहुत कुछ है, तो उनकी बात को अगर फॉलो करते हैं तो आपका चांस ज्यादा हो जाता उनकी है। बातों को फॉलो करें और कंपनी का जो तरीका है काम करने का, सिस्टम है एक नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्शन के कानून के अनुसार हम काम करें, तो हम जो उसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके अनुसार हम काम करें तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते बस हैं। बस यही गलती होती है कि लोग अपना रूल लगा देते हैं और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। कंपनी का रूल है, उसको आपको फॉलो करना होगा, यहीं पे लोग नहीं करते हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि कंपनी बेकार है, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। मतलब लोग अपनी गलतियों को छुपा देते हैं, छुपा हर जगह देते हैं। ये तो हर जगह ही होता है, यही लोग होता अपनी ही गलतियों है। को छुपाते हैं। आज अगर बाहर देखा जाए तो लोग एक दुकान खोलते हैं और 6 महीने बाद 7 महीने बाद दुकान बंद हो जा रही है जी, वहां पे आप किसी को नहीं दोष देते कि क्यों बंद हो गई। बिल्कुल। आप फिर वहां पे दूसरी जगह 1-2 किलोमीटर बाद जाके कोई खोलते हैं, वहां पे नहीं चलती है, तो वहां पे कोई दोष नहीं देते। यहाँ पे चूंकि आपको बताया जाता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उस पूरी बात को मानते नहीं हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। हर जगह हर चीज का नियम है। आप जाते हैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला कराते हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ का जो रूल है वो आपको फॉलो करना होगा जी। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप काम कर पाएंगे वहां पे, नहीं कर पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है, यहाँ पे रूल है, उस रूल को फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एकदम संभावना पूरी पूरी है कि आप जो है कि नहीं वहाँ पे सफल हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर पूरी पूरी संभावना है कि आप असफल हो जाएंगे जी। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपने एकदम क्लियर कर दिया, और क्योंकि आपकी भी अभी शुरुआत हुई है और इस बिजनेस को आपने से भी अच्छी तरह से समझा, क्योंकि इससे पहले नहीं समझ में आपको भी शायद नहीं आया होगा, नहीं आएगा वो अलग चीज है, लेकिन जब आपने समझा तो आप इस सिस्टम को अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पूरे रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करके काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से आप मेरे ख्याल से बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ग्रोथ तो सर ऐसा है कि देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रोथ हर आदमी चाहता है कि करें और करेंगे जी। बस इस चीज पे निर्भर है हमारा ग्रोथ कि हम कितना रूल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बस अच्छा लगा यही सर, बात है। बहुत अच्छा लगा सर। संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। आपने अपना समय दिया,
हमारे चैनल पे आया, आपने बातचीत का आपने समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।